नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत इटौरा चौराहा ओम रेजिडेंसी कॉलोनी में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। चोर बंद मकान के अंदर से तिजोरी के अंदर से रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी के साथ साथ एलईडी ले जाने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने मेन गेट का लॉक तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार लॉक के देखिए तोड़ा गया है और उसके बाद घर के अंदर चोरों ने तांडव मचाया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले यानी लगभग 3 दिन पहले स्कूल जाते समय एक छवि नामक छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जो कि बीरेंद्र सिंह की पुत्री थी। बीरेंद्र सिंह बाहा क्षेत्र के रहने वाले हैं और आगरा के भांडे रेलवे स्टेशन पर रेलवे में नौकरी करते हैं। बताया जाता है वो अपनी बेटी की मौत के बाद पूरा परिवार अपने गाँव बाहा चला गया था और इस बीच मकान का ताला लगा हुआ था। इसी का मौके पर चोरों ने मौके का फायदा उठाया और घर के लॉक के ताले तोड़कर घर के अंदर रखे सोने चांदी के आभूषणों के साथ साथ नकदी एवं एलईडी सहित कई चीज़ों पर हाथ साफ कर दिया है। हालांकि चोरी की अभी गृह मालिक के आने के बाद ही जानकारी होगी कि क्या कुछ पूरा मामला गया है, उनके घर से क्या क्या सामान गया है। परंतु देखिए क्षेत्र में किस प्रकार की दहशत है। जैसे ही लोगों को चोरी की सूचना मिली है, लोग मौके पर पीड़ित परिवार के मकान पर आकर देखने के लिए पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ थाना मलपुरा की पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिर पीड़ित परिवार का क्या क्या सामान गया है और किस प्रकार चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने खेतों पर भी पुलिस द्वारा खेतों में भी चोरों की तलाश की गई है। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो आप हमारी खबरों को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही साथ आगरा की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान सीबी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। श्याम धंधा, श्याम जी क्या मामला है यहाँ पर? यहाँ पे चोरी हो गई थी आज और जो इनकी जो लड़की थी वो 3 दिन पहले दो तीन दिन पहले एक्सीडेंट ख़त्म हो गई। ये अपने गांव चले गए, गांव चले गए तो लॉक लगा के चले गए सभी लोग वहाँ पे और आज किसी ने ताला तोड़ कर चोरी कर ले गए। क्या क्या बताया जा रहा है? बताया तो जा रहा है LED थी, मोटरसाइकिल थी और साइकिल मोटरसाइकिल तो अंदर रखी है पर संदूक का ताला तोड़ा है और उसमें से कुछ पैसे जो कुछ भी है चीज बीज वो भी लेके चले गए। एलईडी भी ले तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ मैंने सूचना दी, मेरे पास फोन आया था भैया का, बोल रहे थे यार आप जाओ वहाँ पे किसी ने लॉक टोल दिया वहाँ पे उनका और मैं आया देखा तो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को। क्या नाम है इनका, नाम बताया आपको? वीरेंद्र। करते क्या है? करते क्या है? ये रेलवे कर्मचारी है। दारा सिंह। कौन सा काम है तुम्हारा? मोगलपुरा। अच्छा जी क्या मामला है आज यहाँ? चोरी हो गई थी सर। किन के मकान में हो गई है? अच्छा जी बताइए कहाँ गया ये परिवार? गांव गए हैं। कौन सी जगह? बाहा के रहने वाले हैं ये। तो चोरी किस प्रकार हुई है, क्या कुछ पता पड़ी है आपको? यहाँ संदूक खुला पिया है और वो चली गई है LCD। तो दीवार तोड़ी है का लॉक तोड़ा है? लॉक तोड़ा है। लॉक तोड़ के हो गई। पुलिस आई थी मौके पर? आई थी मौके पर। क्या कह के चली गई बोले? अभी परिवार आए जब मैंने बात की के चली गई है। देख पा रहे चली गई। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना मलपुरा क्षेत्र के ओम रेजिडेंसी इटौरा चौराहे पर आज चोरों ने देखी किस प्रकार मकान का लॉक तोड़ कर रखे अंदर से जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। बताया जाता है कि 3 दिन पहले इस परिवार की बेटी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। स्कूल जाते समय छवि की मौत हो गई थी तो यह परिवार बहा का रहने वाला है और अपने गाँव गया हुआ है। यहाँ पीछे से इनका मकान बंद था, मकान का लॉक लग रहा था और आज देर रात देखिए किस प्रकार मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे जेवरात और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पड़ोसियों ने जब घर का ताला खुला देखा तो उन्होंने पीड़ित परिवार को जानकारी दी तो यहाँ मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र तो हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पीड़ित परिवार के आने का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ बताया है कि घर में रखे नकदी और जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। चोप सिंह सक्सेना आगरा।